साथियों, पिछले 16 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज सरकार को खुला अल्टीमेटम दिया है। उत्तर प्रदेश भी पूछ करेंगे और जो महेश जोशी जी ने हमारा अनशन तोड़वाया था उसके घर पे जाके दोबारा अनशन में बैठेंगे। हमें आज बचने परिणाम और जहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी की रैली होगी उसमें घुसेंगे। बोले आप धरना खत्म कर दो, धीरे धीरे काम कर देंगे। कौन से तमाशा है, हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। कांग्रेस की खराब होगी और उत्तर प्रदेश में किरकिरी होगी। 16 दिन से लगातार हम बैठे हुए हैं, बोले आपके पांच सात काम कर दिए, धीरे धीरे और काम कर देंगे। हमें धीरे धीरे नीचे हमारे सारे काम होने वाले हैं। हमें काम अभी चाहिए, आश्वासन भी, हमें परिणाम चाहिए। इसलिए साथियों, मैं तो बिना परिणाम नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी लाश चली जाए यहाँ से, यहाँ से तुम लाश उठा कर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बात बात की लड़ाई लड़ूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी भी हालात में कांग्रेस की गज में भी निकाल के 20 सीट भी नहीं आने देंगे, और जहां नेता जाएंगे वहां भी बता देंगे। 16 दिन से बैठे हैं, दूसरे दौर की वार्ता होगी, बोले कुछ काम कर देंगे, अनशन तोड़वा दिया और अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे काम कर देंगे। आपकी कुछ काम तो कर ही दिए और धीरे धीरे और कर देंगे। हमें धीरे धीरे नहीं चाहिए, हमें दीपावली से पहले तोहफा चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। इसलिए खुला अल्टीमेटम देके आए हैं। कुलदीप लाका जी से हमारी वार्ता नहीं हुई, जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी, वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे आपके कई काम हो गए, धीरे धीरे और जाएंगे, आप धरना समाप्त कर दो। मैंने कहा धीरे धीरे नहीं, अब तो हमारा आंदोलन ऊपर की तरफ जाएगा और अब दिवाली भी बनाएंगे, हम जाने वाले नहीं है, किसी भी हालात में हम नहीं जाएंगे। हमें परिणाम चाहिए, जानबूझ के लड़कियों को लेट कर रहे हैं, जानबूझ के हमें लटकाया जा रहा है। सारे काम मुझे बता दीजिए, प्रयोगशाला साहिब 1534 के सर्कुलर जारी होना, परिणाम जारी होना, आप दे दीजिए 5 दिन का कि हम 5 दिन कर देंगे, दे दीजिए लिखित में, होने वाला काम है। टीटीआई भर्ती में कह सकते हैं, पद निकाल सकते हैं, विशेष शिक्षक के लिए बोल सकते हो, दे दीजिए लिखित, लेकिन नहीं, हम लिखित में भी नहीं देंगे, आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन आपका काम पहले धीरे धीरे कर दिए, आगे भी काम करें। इसलिए साथियों, ये निर्णय लिया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ निवासी स्कूल व्याख्याता का हो, मंत्री जी ने आज बयान दिया है वहाँ रात्रिसभा में, दे दो बयान, आप घंटी की बात करें, हम घंटा बजा देंगे सबके। बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, मुगत भी दर्ज करो, कर लीजिए गोली से आप चला दीजिए। यदि आपने मजबूर कर दिया, जब 2012-11 में जो हमारा संघर्ष जब ताला ठोक देते, ताला दोबारा ठोक देंगे, मुगत से डरने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमें विशेष शिक्षकों के पद भी चाहिए, हमें पीटीआई की पद चाहिए, 600 निवासी पद भी चाहिए, 1534 के सूची भी चाहिए, पीटीआई तमाम जो मान लगे वापस। और जिसको यह लग रहा है कि मुझे घर दिवाली बनाना है, बना लीजिए, लेकिन मैं तो यहाँ रहूंगा, नहीं जाऊंगा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये तो जानबूझ के लोली तो लोली पॉप के ऊपर दीजिए, बात देखेंगे, 3 अप्रैल को ले लिया था, फरवरी में ले लिया था, बार बार हमें लोली पॉप दी है, हमें आज तक नहीं, हमें परिणाम। इसलिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, अब लगातार हमारा मापड़ाव जारी रहेगा। और साथ में आप चिंता मत करो, कम से कम 300 महिलाएं तैयार हैं प्रियंका गांधी जी की रैली में जाने के लिए, बसें और 300 महिलाएं तैयार है, और 500 से कम एक भी नहीं जाएगा, और सब इंतजाम होंगे, और फिर बताएंगे कि हिंदुस्तान में बड़ा धमाका करने के औकात रखते हैं, दम रखते हैं। आपने काम किया, हमने धन्यवाद दिया, जहां भी कांग्रेस ने काम किया जिंदाबाद और धन्यवाद बोला, लेकिन जहां हमारा काम नहीं हुआ, जहां हमें आश्वासन मिला, जहां हमारे साथ धोखा हुआ, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपको मुकदमा दर्ज करना कर लीजिए, जेल में डालना डाल दीजिए, और जिसको लाना ला दीजिए, हम अब पीछे नहीं हटेंगे।
भी और चीज और आपको बता दूं, आप सब लोग यहाँ बैठोगे और कल सुबह जाके महेश जोशी के घर पर अनशन पे मैं शुरू करूंगा। महेश जोशी जी के घर से करूंगा, उसने अंजन तुड़वाया था तो मैं आसमान में परिणाम से तुम यहाँ बैठोगे, मैं उनके घर पे बैठूंगा। फोन करके आ रहा हूँ, कल बुलाना है, जितने पुलिस वालों को बुलाना है सुबह उनके घर पे जाके अंजन में बैठूंगा। अब परिणाम से आश्वासन और धोखा नहीं, मैं उन नेताओं से नहीं हूँ और उन संगठन के नेताओं से नहीं हूँ कि मैं लॉलीपॉप लेके निकल जाऊँ, बेरोजगारों को दफा दे दूँ। मैंने कोई कांग्रेस से इतना सा छोटा सा भी काम नहीं करवाया, न कभी कुछ टिकट मांगा न कुछ मांगा। ईमानदार हूँ तो सीना ठोक के लड़ता हूँ, खुला चैलेंज देके लड़ता हूँ, बेईमान इंसान नहीं हूँ। मैं दबने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ। इसलिए कल महेश जोशी जी के घर पर जाकर अनशन में बैठूंगा। उन्होंने रात को 12 बजे अनशन क्यों तोड़वाया और उनको मांगे पूरी करवा देंगे, आप लोग यहाँ बैठोगे लड़ेंगे। और जितने पुलिस को बुलाना बुला लीजिए, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। बार बार आश्वासन देके हमें बुलाकर घुमा करके इस लड़ाई को बड़ा कर दिया है, लेकिन अब ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम 200-300 लोग बैठे हैं। अरे भाई, राजस्थान में लाखों बेरोजगार तक मैसेज आ रहा है भाई, आज तक हर जगह दोपहर, आज तक बजरलाल नहीं पकड़ा गया, बत्तीलाल पकड़ा गया, बजरलाल नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों जांच नहीं हो पा रही, पेपर लीक हो गए, 12 लोग गिरफ्तार हो गए, उमर सीट बाहर आ गई, वीडियो बाहर आ गया, हर चीज को दबा दिया, एसआई को दबा दिया, रीड को दबा दिया, जो लिखित में समझौता उसको दबा रहे। भाई किस किस को दबाओगे, कब कब दबाओगे, अब ये दबाने वाला खेल नहीं चलने देंगे, लड़ेंगे। इसलिए अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अब देखते कितना दम है, सच के लिए झूठे आदमी दबा नहीं सकता सच। इसलिए तमाम जो साथी है कह देना घर से वापस आ जाए, दिवाली यही बनाएंगे, यही बैठेंगे। और कल सुबह मुख्य सचेतक महेश जोशी जी के घर पे मैं आमरण अनशन में बैठूंगा और आप लोग यहाँ में अपना जारी रखोगे। लेकिन यह लड़ाई नहीं रुकेगी, धोखा सहन नहीं करेंगे हम, वो लोग नहीं है। हमने सरकार को नहीं बुलाया, सरकार खुद गई थी अनशन तोड़ाने। भाई आप नहीं आते, मरने के लिए छोड़ देते, आप आए आश्वास दे रहे हो, आज उन मांगों को पूरा नहीं कर रहे हो। इसलिए अब महेश जोशी जी को भी या तो काम कराना पड़ेगा, नहीं घर बैठूंगा वहां मरूंगा, उसके सिर आऊंगा। वहीं से मैं अनशन पे बैठूंगा, आपको मोर्चे या संभालना है। हमें आश्वासन दी, इतना गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है, 16 दिन तक बैठे, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, चुनाव में साथ दिया था, प्रचार किया था, सबसे ज्यादा धन्यवाद हमने दिया, हर जगह साथ दिया और हमारे साथ ही धोखा, धोखा मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी नहीं करेंगे सर, हम आपके साथ सर। कोई भाषण देके मुकर जाता है, कोई लिखित में देके मुकर जाता है, कोई अनशन तोड़ के तोड़ के मुकर जाता है, लेकिन भाई ये लड़ाई रोचक हो गई है। अब ये लड़ाई रोचक हो गई, इस लड़ाई में पूरी उत्तर प्रदेश तो जाऊंगा मैं, और जहाँ प्रियंका गांधी जी की रैलियों को उसके बीच में घुसूंगा। पिछली बार तो ट्रेलर था, आपकी बार पिक्चर रिलीज होगी, सबको पूरे हिंदुस्तान में पता चल जाएगा कि राजस्थान से कोई आया है। सवदनहीनता की पराकाष्ठा इनकी मर चुकी है पूरी, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, सरकार सुनेगी सुनेगी सुनेगी, लेकिन बार बार यार कब तक वार्ता करते रहेंगे, कब तक गोली लेते रहेंगे। अब आश्वासन ही हमें परिणाम चाहिए, इसलिए साथियों इस लड़ाई को हम आजाद की लड़ाई लड़ेंगे और अब यह लड़ाई बड़ी दूर तक जाएगी, सरकार को आज नहीं तो कल जितना होगा हम लड़ेंगे।